कक्षा दसवीं के सभी विद्यार्थियों, यदि आप वास्तव में 9 फरवरी के दिन संस्कृत में टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप इसको जरूर सॉल्व करके जाइएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये सेट ए है आपका, तो यहाँ पर देखिए पहला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, षष्ठी विभक्ति जाएगा। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, राजा नाम आ जाएगा। सप्तमी विभक्ति रूपम तो की पित रि आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, चतुर्थी विभक्ति का रूप है तो बालकाय, और जीवनम दुर्वाहम अस्ति तो अत्र आ जाएगा। अधोलिखित सु अवयव नास्ति तो परा एकदम इसका राइट रहने वाला है। यदि हम रिक्त स्थानों की बात करें तो पहले में देख लीजिएगा चतुराहा कागा इतने हो पदियो विशेषणम, तो यहाँ से चतुराह आ जाएगा। एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप इन चीज़ों को, मैं जो बता रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ छः तरह का पेपर है, लेकिन अब अंतिम मौका है तो अंतिम में आप ए और बी और सी तक पढ़ लोगे जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आमंत्रम आरक्षम इतने हो पदियो विशेषणम पदम, तो आमंत्रम आ जाएगा। तीसरे का आपका जाएगा जलम। चौथे की बात करें तो पत्नी का आपका भार्या आ जाएगा। पांचवे का आपका आ जाएगा मानवाय। संपत्तो इतस्य विलोपद, देखो संपत्तो का विलोपद होता है विपत्तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जोड़ी देखते हैं। अग्नि दत्ता तत्पुरुष समास इत्यादि यन संधि। गायका, गायका में आ जाएगा आपका आयादि संधि। चोरात भयम, चोरात भयम का जाएगा पंचमी तत्पुरुष। नर प्लस इंद्राहा, इसका जाएगा नरेंद्रा, और नरेंद्रा में आपकी होगी गुण संधि। राम लक्ष्मणो, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। आगत्य इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति तो लियप आ जाएगा। लियप प्रत्यय एकम उदाहरणम अस्ति लिखत प्रदाय। बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति तो टाप। केसाम संपत्तो चा एक रूपता महताम। कुछ लवो कम उपसृत्य प्रणमतः रामम आ जाएगा। दुर्बले सूते कस्या अधिक कृपा भवति, तो यहाँ पर मातु एकदम राइट रहने वाला है। यदि आम नाम की बात करें तो यहाँ पर आम नाम है, ठीक है, तो ये अब दोनों आपके आम रहेंगे और ना आम आम आम, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर छठे को देखिएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसका सॉल्यूशन अपन अच्छे से देखते हैं। चलिए तो छठा क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है आपको, बढ़िया से पढ़ के चले जाइएगा एक बार परीक्षा हाल में जाने से पहले, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन से इम्पोर्टेंट चीज़ें बता ही रहा हूँ मैं आपको, और मैथ्स के लिए है ना, मैथ्स के लिए मैंने आपको 6 सेट प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये अथवा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लीजिएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। कृषका किम करोति इसमा, तो ये कृषका वल्ली वर्धया अभयम क्षेत्र कर्षम करोति इसमा हो गया, और ये यहाँ से माता सुरभि किमर्थ आश्रुणी मुच्यति इसमा, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 वाला। और नवा को यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, तो यहाँ पर आप देख लेना है ये, ठीक है, नारायणाम प्रथम शत्रु का तो क्रोध आ जाएगा, और ये इसके अथवा वाला है, तो ये कर दोगे पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देखिएगा, निर्दता किम के कथम विपत्ते उपर्जितवान, तो यहाँ पर जो कथम आ जाएगा उसकी जगह पे भूरी लिख देना आपको, केवल क्या लिख दोगे भूरी, और बाकी अब ये जो प्रश्न निर्माण है इनको देख लीजिएगा आप यहाँ से, ये 11वां है तो ये 11वां का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हो गया है। 12वां का कम कथियती, तो ये मैंने भर दिया ये, और सुभाषतानी के श्लोक 13वें में तो याद कर लिया हर बच्चों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, रामस्य का हो जाएगा रामेन, बालकम का हो जाएगा बालकाय, अहम दुग्धम रोचते तो महाम दुग्धम हो जाएगा, यहाँ से तड़ा गे आ जाएगा। यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ से पहले में आपका अत्र भर देना, यहाँ पर पढ़ के चले जाइएगा, मैं कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। स्थित प्रज्ञा है,
वाचम है प्रथम आ जाएगा, राजपूत आ जाएगा, भृशम आ जाएगा। छः पेपर मैंने दिए हैं, जिन बच्चों को वास्तव में 75 से 75 चाहिए तो 6 करने पड़ेंगे। हाँ, एक पेपर से इतनी गारंटी ले सकते हैं 30 से 40 नंबर तक का फंस जाएगा, बस ये है। यहाँ से क्रम से योजन घटनाक्रम है तो ये पहले आ जाएगा, दूसरा यदि आप बात करो तो ये गच्छे गच्छे वाला आ जाएगा, तीसरा स्वामीन वाला, और चौथा जो है माँ निजगले, ठीक है। और इसके अथवा वाला को देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा, वाच्य परिवर्तन क्रूत, ठीक है भैया। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये पूरा भर दिया है, देखो ध्यान से आप। तो इसके बाद में ये इसका अथवा 18 का अथवा का, तो 18 का अथवा का स्क्रीन छोड़ दे देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे हो गया इतना, ये स्क्रीन शॉट ले लिया तक का। अब ये यहाँ पे इसके प्रश्न ये चले, इसके बाद में ये यहाँ से इसका डा वाला है, प्रश्न भी लिख दिए यहाँ पे, है ना। 19वें क्वेश्चन को देखो ध्यान से अब आप, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ से, इसके बाद में ये यहाँ पे, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का ये तो प्रश्न यहाँ पे देखो, और ये यहाँ से हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, हो गया इतना, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं। फिर इसके अथवा वाला ये है, हो गया। चलो इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 हैं, ये इतना बढ़िया से आप तो कंप्लीट तो करो, इनमें से आपका फंसेगा 100% श्योर है, ठीक है। आप पहली बार 10th क्लास में, मैं हर साल ही 10th क्लास पढ़ाता हूँ, इतना आपको संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ये और अवकाश और निबंध तो मैंने आपको पहले बता भी दिया है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको सेट ए पूरा बताया है, सेट बी भी बताऊंगा, सेट सी भी बताऊंगा, डी ई और एफ भी मैंने बता ही दिया है, क्या बताऊंगा, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा एक बार, है ना।